और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पूर्वांचल में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन से वो बड़े चेहरे और बड़े नाम वो वीआईपी कैंडिडेट जिनकी किस्मत दांव पर है। सीधा रुख राजीव का। जी हाँ, सब पूर्वांचल से बड़ी खबर, क्योंकि सबकी निगाहें पूर्वांचल पर हैं। यहाँ पर बहुत सारे वीआईपी चेहरे हैं और यही वजह है कि निगाहें सभी की पूर्वांचल की ओर हैं। वीआईपी चेहरों की जीत और उनकी हार, उनका प्रदर्शन, उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी चेहरे हैं। कुछ तो हमने विस्तार से अपने जो है विस्तार से आपको एक जानकारी भी दी थी और आज उनकी हार जीत का फैसला होगा और इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आस्था, बिल्कुल आपने बताया कि कौन से वीआईपी चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, लेकिन अब ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जो निर्विरोध तरीके से जीत हासिल कर चुके हैं, नामी चेहरे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि है उनकी। सीधे रुख राजेंद्र देव का। बिल्कुल आस्था, पंचायत चुनाव में ऐसे बहुत सारे नामी चेहरे हैं जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है और ऐसे चेहरे पूर्वांचल में भी हैं। आइए उनके बारे में अपने दर्शकों को विस्तार से जानकारी देते हैं कि उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है। और एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। पूर्वांचल में कौड़ीराम गोरखपुर में, नीता सिंह भाजपा से हैं और निर्विरोध जीत उन्होंने प्राप्त की है। पूर्व विधायक का कि वो बहू हैं, अंबिका सिंह की बहू हैं नीता सिंह, ये उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और इस बूते पर उन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है, यही इतिहास रहा है। एक एक करके हम आपको बताते हैं, ये पूर्वांचल की स्थिति है कौड़ीराम गोरखपुर की। अगले चेहरे की हम बात करेंगे, कौड़ीराम के बाद अगला चेहरा पूर्वांचल में चिलकहर बलिया का ये ब्लॉक, यहां से आदित्य गर्ग, इन्होंने निर्विरोध जीत प्राप्त की है और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री के ये बेटे हैं। तो इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड काम करता है ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, पंचायत चुनाव में मजबूती से प्रभावशाली तरीके से काम करता है। उरुवा गोरखपुर से शांति बिलदार भाजपा की, निर्विरोध जीत उन्होंने हासिल की है, कोई भी इनके मुकाबले में चुनाव नहीं लड़ा। खजनी से विधायक संत प्रसाद की बहू, ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, विधायक की बहू है, निर्विरोध जीत प्राप्त की इन्होंने। पूर्वांचल के पथरदेवा देवरिया, यहां से सुब्रत शाही, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बेटे हैं, निर्विरोध जीत हासिल की है। सूर्य प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिलहाल वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके बेटे हैं। ब्रजेश यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं और जंगल कौड़िया गोरखपुर ब्लॉक से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आस्था, कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ, इसलिए ये निर्विरोध जीत इन्होंने प्राप्त की है। रूलिंग पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा ज्ञानपुर भदोही, यहां से आरती सिंह भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। पति बबलू सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, मतलब ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं इनके पति, इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती हैं, निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं भदोही के इस ब्लॉक से। तो अगले कैंडिडेट का रुख करते हैं, पूर्वांचल के वीआईपी कैंडिडेट का, और औरई भदोही से विकास मिश्रा, इन्होंने भी निर्विरोध जीत हासिल की है। ये भी बहुजन समाज पार्टी से, इंपॉर्टेंट बात है, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, इन्होंने भी निर्विरोध जीत हासिल की, पूर्व मंत्री के बेटे हैं।